स्वागत आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में तनिष्क कपटियाल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने डिस्कस कर था कि कैसे हम लोग केदारनाथ जा सकते हैं, बेस्ट आइटनरीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आपसे तीन आइटनरीज के बारे में डिस्कस करा था। एक आइटनरी थी आपकी 3 दिन की, एक आइटनरी थी 5 दिन की और एक आइटनरी थी 7 दिन की। आपने अगर वीडियो चेकआउट नहीं करे तो आप जाके आई लिंक बटन पे देखो, यहाँ दिख रहा होगा, वहां जाके देख भी सकते हो और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप वाली वीडियो भी देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे यार आप लोग केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ भी जा सकते हो। यार हाँ, बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि आज हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं तो कोई नहीं, थोड़ा एक दो दिन की छुट्टी और आगे करके हम बद्रीनाथ भी घूम के आ सकते हो। तो ये आपका प्लान बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचने के बीच का। केदारनाथ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो ज्यादा नहीं है 240 किलोमीटर मैक्सिमम रूट है। वो दो रूट होने वाले हैं, एक तो वीया जोशीमठ रूट होने वाला है और एक दूसरा रूट होने वाला है वीया चौपटा। अगर आप चौपटा होते हुए जाते हो तो आपको 20 किलोमीटर और कम पड़ जाएगा, यानी वो रूट जो है हमारा 220 किलोमीटर का रूट होने वाला है चौपटा का, जिसके साथ साथ आप चाहो तो तुंगनाथ टेम्पल भी जाके देख सकते हो, जो लॉर्ड शिवा का वर्ल्ड हाइएस्ट जो टेम्पल है उसको भी आप जाके दर्शन कर सकते हो तुंगनाथ टेम्पल। और नहीं तो आप जो वीया जोशीमठ के रूट से भी जा सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, रोड बिल्कुल चकाचक बनी हुई है। ये मान सकते हो कि लास्ट के 20 किलोमीटर से पैच और बीच में थोड़ा खराब मिल सकता है। तो अब हम बात तो कर लेते हैं कि आप केदारनाथ, आप केदारनाथ में तो आपने दर्शन कर लिए तो आपको बद्रीनाथ में भी आपको रहना खाना पीना सब करना पड़ेगा, राइट? तो उसकी भी यार कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो यार केदारनाथ में भीड़ जो है, श्रद्धालु जो है वो बहुत ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भीड़ होती है पर इतनी नहीं होती। सबसे ज्यादा श्रद्धालु का जो आना जाना लगा रहता है वो लगा जाता है हमारा केदारनाथ के ट्रैक में। बद्रीनाथ में भीड़ होती है ये नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ही खाली होते हैं यार। हम लोग भी जब पहले दिन गए थे ना बद्रीनाथ में तो हमें भी बिल्कुल भी दर्शन नहीं मिले थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के लाइन पे लगे, तब जाके हमें 9-10 बजे जाके दर्शन करने के मिल पाए थे हमें भी बद्रीनाथ धाम। दर्शन भी हो जाते हैं, बस थोड़ा समय देना आपको पड़ेगा, एक दिन का शायद आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। और रही बात, इसमें बात करते हैं कि आपका रहना खाना कैसे आप मैनेज करोगे। आप लोग पहुंच जाते हो बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में आपको सबसे पहले स्टे का देखना पड़ेगा। देखो बद्रीनाथ में यार थोड़ा स्टे महंगा हो सकता मानता हूँ, हमने होटल लिया था तो वहां पर हमारा खर्चा थोड़ा महंगा होता। आप जाके वहां पर धर्मशाला बुक कर लेना, आपको वहां इजीली धर्मशाला मिल जाएगी। टेंट्स की सर्विसेज वहां पर नहीं है, धर्मशाला मिल जाती है। धर्मशाला की कॉस्ट वही 500 से 1000 रुपए के बीच में होने वाली है। और रही बात आपको खाने की, खाने की आपको यार उधर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये मानो भाई जिस दिन डे वन से हम लोग पहुंचे थे हमें वहीं पर डे वन से लंगर मिल गया था, तो आपको खाने की इतनी कॉस्टिंग में नहीं होने वाली है। अब आपको लगता है कि और अच्छा खाना है तो हाँ अच्छा खाना भी आपको मिल जाएगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, लो रेस्टोरेंट भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा बजट नहीं है ज़्यादा खाने का, तो आप आराम से भंडारा के भी साथ खाना खा सकते हो और आराम से सो के सुबह अपने दर्शन करके आप लोग वापस आ सकते हो दिल्ली के लिए। फूड के आपको खर्चा बिल्कुल भी आने वाला नहीं है अपने बद्रीनाथ में। आपको रहने का थोड़ा खर्चा आ सकता है, आप देख सकते हो। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास होटल मत लेना, वहाँ का जो रेट है वो उनको पता है, पीक सीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका, तो वो इस टाइम पे पैसे काटेंगे आपसे, एक्स्ट्रा ज्यादा चार्ज करेंगे। आप थोड़ा और आगे निकल जाओ माना गांव की साइड की तरफ, हार्डली आप 1/2 किलोमीटर आगे चलोगे माना गांव की तरफ, आपको बहुत इजी सस्ते सस्ते होमस्टे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, शायद धर्मशाला भी आपको इवन मिल जाएगी वहां पर। अगर आप लोग अपने टेंट लेके चल रहे हो फिर तो वहां पर आपको बाइक पार्किंग है, कार पार्किंग सब वहां पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस हाँ ये बोलूंगा अच्छे यार स्लीपिंग बैग जरूर लेके जाना, क्योंकि ठंड जो है वो बेशक होने वाली है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। हम लोग भी थे तो बहुत ज्यादा हमें ठंड लगी थी और इस बार मैं भी वही प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने राइड की। काम करते इस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी हुई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगी। हर हर महादेव।